भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने आज रैली निकालकर चार मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 11 सितंबर को दिल्ली में विशाल आंदोलन की दी चेतावनी। ज्ञापन देते हुए बताया कि बाबा साहेब अम्बेडकर भीमराव जी अम्बेडकर के अथक संघर्ष से भारत के संविधान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्गों के लिए अनुच्छेद 340 की धारा 15(4) और 16(4) में स्पष्ट रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण की व्यवस्था 15% अनुसूचित जाति और 7.5% अनुसूचित जनजाति और 27% अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए की गई है। इसी तहत इन वर्गों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है, परंतु आज तक किसी भी सरकारी विभाग में पूर्ण रूप से आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। विगत 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेशित किया कि अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले आरक्षण का राज्य सरकारी और सर्वे कराए और इन जातियों में क्रिमी लेयर को छाटे और वर्गीकरण भी करे। इन आदेश से अनुसूचित जाति और जनजातियों को काफी नुकसान होगा। जातिगत आधार पर लोगों में बंटवारा होगा, देश भावना पैदा होगी, फिर भी आरक्षण का लाभ पूर्ण रूप से इन जातियों को नहीं मिलेगा। इस संबंध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद सांसद के निर्देश पर हमारी पार्टी ने पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन देने का कार्यक्रम बनाया है। उपरोक्त के संबंध में हमारी पार्टी द्वारा आंदोलन के प्रथम चरण में 21 अगस्त 2024 को जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन और दूसरे चरण में 11 सितंबर 2024 को दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। आगे भी निरंतर हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। भैया आज ज्ञापन दिया है बीमारी किन मांगों को लेकर दिया है? सबसे पहले मीडिया कर्मियों का, हमारे पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो आरक्षण में वर्गीकरण किया गया है क्रिमी लेयर, उसके खिलाफ हमने दिया है वो वापस ले। राष्ट्रपति जी के नाम हमने महोदय को ज्ञापन के माध्यम से दिया है। अगर जैसे मांगे नहीं मानी जाती हैं आपकी और सरकार अगर इस पर ही काबिल रही तो क्या कहना चाह रहे हो आगे? क्या और आंदोलन करेंगे, आगे और आंदोलन बढ़ाएंगे। और अभी हमारा 11 तारीख को सितंबर को और है दिल्ली में, वहाँ से हमारे चंद्रशेखर भैया के द्वारा किया गया, वहाँ पे हम लोग जाएंगे सभी लोग। आंदोलन ऐसे चलता रहेगा। धन्यवाद भैया।